नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की खबर बारसोई से। बीआरसी कार्यालय में शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद की उपस्थिति में सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री द्वारा संदेश पत्र दिखाते हुए कहा कि जन जन तक लोगों को बताना है, स्कूल जाने से ना छूटे कोई बच्चा, आपका यह सहयोग होगा राज्य के लिए। जी हाँ, सच्चा खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में, शिक्षा एक अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन। यह नारा लगाकर शिक्षकों को अपने स्कूल एवं गांव में मुख्यमंत्री के संदेश को पढ़कर बताने के लिए निर्देश दिया। शिक्षा पदाधिकारी श्री मुमताज ने कहा कि छूटे हुए छोटे बच्चे का नामांकन के लिए विशेष अभियान चल रहा है। जी हाँ, पूरे प्रखंड में बीआरसी एवं सीआरसीसी तथा शिक्षण गण अपने ईमानदारी से क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं तथा पठन पाठन भी चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि छात्र छात्राओं के बीच शिक्षक एवं शिक्षिका मुख्यमंत्री द्वारा संदेश पत्र गुनगुनाते हुए छात्र छात्रा क्षेत्र भ्रमण एवं अभिभावकों को भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा जो अभियान है, शत प्रतिशत नामांकन हो एवं सात निश्चय के तहत जल जीवन हरियाली का भी कार्य चल रहा है तथा हर क्षेत्र में शिक्षा अग्रसर है, छात्र छात्रा की प्रगति अति उत्तम है। वहीं मुख्य रूप से उपस्थित शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद, सीआरसीसी सरफराज आलम एवं दर्जनों शिक्षक गण उपस्थित रहे। शुक्र है माननीय मुख्यमंत्री का संदेश 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर सभी विद्यालयों में वितरण करने हेतु सभी शिक्षकों को सीआरसी स्तर पर उपलब्ध करा दिया गया है। आज सभी विद्यालयों में इसका वितरण कर दिया गया। सभी बच्चे उनके संदेश को पढ़ेंगे और शिक्षक सुनेंगे।